महाराष्ट्र आर्म रेसलिंग एसोसिएशन और समता स्पोर्टिंग क्लब की ओर से नागपुर में पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग तथा पैरा आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन स्थानीय वसंतराव देशपांडे सभागृह में किया जाएगा। इसके लिए पूरे भारत से करीबन 2000 एथलीट्स, कोचेस, मैनेजर यहाँ पे आने वाले हैं। ये टूर्नामेंट 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में होगा और इसमें पैरा कैटेगरी भी है, एबल कैटेगरी भी है, प्रोफेशनल प्लेयर्स भी है, ऐसी सभी तरह के प्लेयर्स इसके अंदर में आ रहे हैं। और ये टूर्नामेंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल चैंपियनशिप है आर्म रेसलिंग में। आज तक आर्म रेसलिंग के अंदर में किसी भी नेशनल चैंपियनशिप में इतने बड़े एथलीट्स नहीं आए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हम लोगों का थोड़ा सा ये था कि लोग कम आएंगे, लेकिन यहाँ पे सेंटर में होने के कारण, भारत का पूरा केंद्र बिंदु है नागपुर, इसके कारण सभी जगह से एथलीट्स अच्छे आए हुए हैं। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पे होने जा रहा है और नागपुर के लोगों को अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। हमारे अध्यक्ष प्रीति झांगानिया, वर्किंग प्रेसिडेंट प्रमोद वालमन सर, सचिन महात्मे सर है जो ट्रेजरर है, और हमारे एंटायर टीम, सारी टीम आज पिछले 2 महीने से इस काम के लिए पीछे और इस टूर्नामेंट को सक्सेस करने के लिए कार्यरत है। और एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट से वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मालदुआ में जो होने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा, तथा एशियन कप जो कि इंडिया में ही होने वाला है गोवा में, उसके लिए भी टीम का चयन किया जाएगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है अपने लिए। मैं ये नागपुर के लोगों को बोलूँगा कि इस टाइप का गेम जो हो रहा है, ये एक अच्छा गेम है और ये अच्छा टूर्नामेंट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ये टूर्नामेंट आज कल प्रोफेशनल लेवल पर जा रहा है और अच्छा टूर्नामेंट आप यहाँ पे आके देख सकते हैं और अच्छे अच्छे एथलीट्स, प्रोफेशनल एथलीट्स, इंटरनेशनल एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो एक अच्छा गेम उनको देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए नागपुर की जनता से आह्वान करते हैं कि अच्छा टूर्नामेंट है, इसे देखिए और इंजॉय कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत वरणकर, सेक्रेटरी महाराष्ट्र आर्म रेसलिंग एसोसिएशन, वर्किंग प्रेसिडेंट पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया।